नमस्कार दोस्तों, मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों की एक समस्या रही होगी कि आपकी जो लैपटॉप की या कंप्यूटर की सी ड्राइव है अचानक ही भर जाती है, और इस भरने का कारण है वो भी आपको नहीं पता चलता। ऐसा कहीं डाटा सा छुपा रहता है, चाहे किसी का बैकअप बन जाता हो, चाहे किसी प्रकार से डी ड्राइव है, आपकी ई ड्राइव है, जितने भी पार्टीशंस होते हैं अचानक से वो फिलअप हो जाती है। ये मेरे कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, आज मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा आप लोगों के सामने। तो किस तरह से इसका सॉल्यूशन करूंगा प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं आप लोगों का दिल खोल कर स्वागत करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, आने वाली फ्यूचर वीडियो है आपको समय से मिलती रहे। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब मैं सीधे आपको लैपटॉप पर ले चलता हूं और आपको बताता हूं अगर इस प्रकार की समस्या आ जाती है तो इस समस्या को किस प्रकार आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये चेक करा दे रहा हूँ कि मेरे जो लैपटॉप की मेमोरी है या मेरे कंप्यूटर की मेमोरी है वो कितनी बची हुई है। देखिए, कभी भी मैं आपको बताऊं, जब भी आपके कंप्यूटर की सी ड्राइव होती है कम रह जाती है, कम स्पेस रह जाता है, तो कंप्यूटर का जो है लैग ना हो जाना, और आपका सीधी बात है परफॉर्मेंस उसकी डाउन हो जाएगी, प्रोग्राम्स होंगे वो क्रैश होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन से आपकी जो सी ड्राइव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखिए, और फालतू की जो जैसे वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, डाउनलोड्स हैं, उनको आप चाहें तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल उसी में रहने दीजिए, क्योंकि फालतू की फाइल्स हैं उनको मूव करते रहा करो डी और ई ड्राइव में, जो अलग से पार्टीशन होते हैं उसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो सी ड्राइव है वो लगभग 9.04 GB फ्री रह गया है 180 GB का। तो 118 GB की जो मेरी SSD है उसमें से सिर्फ 9 GB रह गया। इससे क्या हो, मेरा प्रॉब्लम होने लगे शुरू होने वाली है। अगर मैंने इसको सही टाइम से डिलीट नहीं किया तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स की बढ़ जाएगी और मेरा कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाएगा। चाहे कैसा भी कंप्यूटर हो, मेमोरी नहीं मिलेगी, हैंग होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए क्या किया है मैंने, अब मैंने आपको दिखा दिया 9 GB के लिए खाली है, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसका नाम है बिनस्टैट। अब बिन डायरेक्ट स्टेट से क्या होगा, आपके जो कंप्यूटर की पूरी मेमोरी का मैप बना देता है कि आपने जो बड़ी बड़ी फाइल्स हैं वो आपने कहाँ छुपा रखी हैं। अचानक से मैं आपको कह लेकर, मतलब देखो मैं आपको पहले यहाँ बता दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सी ड्राइव मेरी 9 GB रह गई है। अब इसमें अगर पिक्चर्स में देखूँ तो पिक्चर्स में बहुत ही कम स्क्रीन शॉट वगैरह रह गए हैं, या कैमरा रोल में देखूँ तो बहुत छोटी छोटी फाइल्स हैं, लेकिन हमको ये एक्चुअली पता नहीं वो फाइल कहाँ पर है। वीडियोज़ देखता हूँ वहाँ भी कुछ नहीं दिखता, मतलब कुल मिला के इतनी डीपली कोई फाइल ऐसी पड़ी हुई है जो मुझे ऐसे नॉर्मली ढूंढ नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए मैंने यहीं पे जो सॉफ्टवेयर है वो आपको रिकमेंड करूंगा। उसको करने के बाद क्या करना है, आपको उसको ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपको अगर सी ड्राइव पता करना है, डी ड्राइव पता करना है, या ई ड्राइव का पता करना है कि उसमें मेमोरी कहाँ पर गिरी हुई है, वो आप इंडिविजुअली उसको सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर सी ड्राइव सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो सिलेक्ट कर लिया, उसको कर दूंगा ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपके सामने जो भी है सिर्फ सारा ट्री मैप है वो ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। लगभग 10 से 15 सेकंड आपके SSD के ऊपर, आपके हार्ड ड्राइव के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मेरी SSD है तो प्रोसेसिंग इसकी अच्छी चल रही है, और अगर आपका हार्ड ड्राइव होगा तो लगभग 1 से 2 मिनट, और डिपेंड ऑन उसकी स्पीड पर 5 मिनट भी ले सकता है। तो अभी लगभग मेरा ये यहाँ पर हो रहा है, तो लगभग 82.9% कुछ चल रहा है। तो कुल मिला के ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, और जैसे ही टाइम हो जाता है तो आपके सामने इसके एक ट्री मैप आ जाता है, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, तो जो मेरा ट्री मैप है वो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे बन चुका है। अब इस टाइप के जो कलर्स आपके सामने आ रहे हैं इसमें पहचाने हैं कैसे, ये क्या बवाल है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रेड टाइप का या ब्लू टाइप का, ये सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरे हुए हैं। मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ, मैंने 2 फाइलें एक्स्ट्रा बना रखी हैं आप लोगों को बताने के लिए। देखो, ये आपकी फाइल अलग है, ये पूरा पार्टिकल अलग है, ऐसे प्रकार दूसरा वाला ये ब्लॉक अलग है, ऐसे तीसरा वाला ब्लॉक अलग है। तो इसको मैं टच करता हूँ, अब आप देख लीजिए 10.7 GB की ये फाइल है जो मैंने की कॉपी की थी, जिससे कि मेरी ये मेमोरी है वो भर जाए और आप लोगों को मैं एग्जांपल दे सकूं कि ये मेमोरी कैसे डिलीट करते हैं। अब मान लीजिए ये फाइल है, उसको पता ही नहीं कहाँ पर है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ और ऊपर जो है कॉपी पाथ करके वहीं पर उसको पहुँच सकता हूँ। इसको पहुँचने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप चाहो तो इसको यहीं से डिलीट कर सकते हो अगर आपको मतलब की नहीं है, और हो सकता है तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्लिक करके यहीं से प्ले कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी वीडियो थी, अपलोड हो चुकी है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको करके यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, तो इसको डिलीट टू रिसाइक्लमेंट और यहाँ पर यस। तो आप देख सकते हैं ये आपको रिकमेंड मतलब बता रहा है आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से यस कर दीजिए, तो यहाँ से जो ब्लॉक होगा वो हट चुका है। ऐसे ही आपकी लैन वाली कॉपी के एक और ब्लॉक है ये वाला, इसको भी आप यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है,
जितनी जितनी जी बड़ी फाइलें होंगी वो सारी सारी उतने ज़्यादा स्पेस के रखा होगा, उतना ही बड़ा आपका बॉक्स बन जाएगा। उस बॉक्स से पता कर लो सबसे ज़्यादा बड़ा फाइल कौन सा है। मजे की बात दोस्तों, ये देखो आपकी बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं, ये अब आप देखोगे ये कहाँ पर पड़ी हैं, लेकिन आपको ये इनका एड्रेस नहीं पता। तो इनका एड्रेस पता करने के लिए कोई ज़्यादा जरूरत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा एड्रेस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये आप देख रहे हो वन ड्राइव डॉक्यूमेंट वंडर शेयर फिल्मोरा 9, और ये कितनी ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर टोटल में बता दे रहा हूँ। कुल एग्जाम्पल से आप चाहो तो यहाँ से ओपन भी कर सकते हो, आप चाहो तो प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हो, आप चाहो तो सब कुछ पता लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसका जो एड्रेस है मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली खोल रहा हूँ। सबसे पहले मुझे सी में जाना है, फिर यूजर्स में, फिर मोहित में, फिर वन ड्राइव में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, कमाई कंप्यूटर खोला, इसी के हिसाब से चलेंगे। आप चाहो तो यहाँ से कॉपी पाथ भी कर सकते हो, माई कंप्यूटर जो आपने खोला होगा आप उस पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, ठीक है, कंट्रोल भी और एंटर कर दोगे, ठीक है। लेकिन वो खुलेगा नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉपी पाथ, उसके बाद जो भी आपने माई कंप्यूटर खेला होगा यहाँ पर, और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बैक करना इस टाइप से, और जो मेन फाइल है उसकी रेंडर वाला, जैसे फिल्मोरा 9 पर पहुँच गए हम, ओके, फिल्मोरा 9 में रेंडर नाम का फोल्डर है, तो यहाँ पर हम इसको एंटर मार देंगे। अब आप देखेंगे इसमें रेंडर नाम का जो फोल्डर है, इसने मेरी 32.5 GB की फाइल अभी तक इसने क्रिएट रखी है, बैकअप बना रखा है, कैच बना रखा है। तो इस चीज़ को मुझे कोई आवश्यकता नहीं है इसे रखने की, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, तभी मेरे कंप्यूटर की स्पीड है वो इम्प्रूवमेंट होगी और मेमोरी वो है खाली हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करता हूँ, और ओपन के बाद ये जो फालतू की कैच फाइल्स हैं इनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मारेंगे डिलीट और डिलीट, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये सारी जो फाइल्स हैं वो डिलीट होना शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% कम्प्लीट। और ये मेरे माई कंप्यूटर के बाद अब मैं आपको मेमोरी दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं 62.7 GB, ये सफिशियंट है मेरे कंप्यूटर को अच्छी तरह रन कराने के लिए। एक बात और बता दूँ, मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप बड़ी फाइल्स को डिलीट कर सको, मैं आपको लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि आप अनजाने में कोई भी गलत इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल डिलीट मत कर देना। अगर आपने कोई भी सी ड्राइव में से विंडोज़ की अगर आपने फाइल डिलीट कर दी तो आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। आप ये ध्यान से दें, आपकी जो फालतू की फाइल्स हैं कन्फर्म कर लें कि उस चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं है, तभी उसको डिलीट ने। अगर आपने कोई फालतू की फाइल न होते हुए कोई इंपॉर्टेंट फाइल, अगर आपने कोई प्रोग्राम फाइल या किसी सॉफ्टवेयर की फाइल डिलीट कर दी, ऐसी कंडीशन में वो सॉफ्टवेयर रन करना बंद कर देगा, उसका मैं किसी प्रकार से दोषी करार नहीं हूँगा। आप ये ध्यान से देख लीजिए, वीडियो ऑडियो जो भी आपकी फालतू की फाइल्स हैं जिसमें डबल कॉपी हो रखी हो या कई जगह कॉपी पेस्ट हो जाता है धोखे से, तो इस चीज़ को आप ऐसे पता लगा सकते हैं, अपने कंप्यूटर को जो ज़्यादा मेमोरी उसने घेर रखी है उसको क्लियर कर सकते हैं। ये सिंपल सी वीडियो मैंने आपको बताई थी, आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में बताना है ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक ही मोहित का नमस्कार, जय हिंद।